हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहली बार आप एसएससी की तैयारी कैसे करें। गाइस जब आप न्यू कैंडिडेट होते हैं और एसएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं तो गाइस कई बार आपके प्रिपरेशन शुरू करते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है। गाइस इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। गाइस आप किसी भी कोच में पढ़ने के लिए जाएंगे बट होगा क्या, आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाएगा बट इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। गाइस इस वीडियो अगर आप देखते हो डेफिनेटली आप खुद समझ पाएंगे कि जब आप कोचिंग पढ़ते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है और जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे वो क्या डिफरेंस है। तो चलिए गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो गाइस जैसे आप जब एसएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैकेंसीज है वो 10th लेवल पे भी निकलती है, 12th लेवल पे निकलती है और ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती है। तो गाइस इसके ऊपर जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमने बना रखा है बट गाइस आज हमको ये बात करना है कि एसएससी की तैयारी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, कौन सी वो मिस्टेक्स उनको अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है और किस चीज़ों को नहीं करना है। तो गाइस वो सारे पॉइंट्स हम वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस टोटल मैं आपको क्या 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उन 7 पॉइंट के बेसिस पर आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो गाइस जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो नॉर्मली क्या है, आप कोचिंग जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो आप पढ़ते हैं और पूरी साल पढ़ते हैं, उसके बाद क्या है एग्जाम देते हैं, जो होता है वो आपके सामने आ जाता है। तो गाइस इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। तो गाइस जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कट ऑफ। तो गाइस आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आप SSC MTS का दे रहे हों या आप SSC CHSL का दे रहे हों या फिर आप क्या है CGL का दे रहे हों या आप SSC GD दे रहे हों, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों, तो गाइस यहाँ पे सबसे जो इनिशियल बात आती है वो होती है आपकी कट ऑफ की, मतलब आपको जो कट ऑफ है वो बहुत अच्छे से पता करना चाहिए। अक्सर गाइस देखिए होता क्या है, हम लोग प्रिपरेशन तो करते हैं बट प्रिपरेशन करते समय जो कट ऑफ जो हमको पता करना चाहिए वो हम पता ही नहीं करते हैं और जिसके चलते क्या है स्टूडेंट्स क्या है अपनी तैयारी करने के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने में उनको पता चलता है कि अरे सिलेक्शन हुआ नहीं है, कुछ नंबरों से लटक गया। तो गाइस यहाँ पे जो कट ऑफ है ये आप सबसे पहले पता करके रखें कि किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है वो क्या जा रहा है, MTS का क्या जा रहा है, CHSL का क्या जा रहा है, CGL का क्या जा रहा है, SSGD का क्या जा रहा है, स्टेनोग्राफर है तो उसका क्या जा रहा है। तो जो आपके कट ऑफ हैं वो आपको पता करके जरूर रखने हैं ऑल एग्जाम्स के लिए। और आप ये चेक कीजिए कि लास्ट टू ईयर में कट ऑफ क्या गया था। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अगर SSC में सिलेक्शन लेना है तो मुझे आज इतना स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल आपको अपने माइंड में क्या है बसाना पड़ेगा। अब गाइस ये आपके पता चल जाएगी हाँ भाई इतना हमको कट ऑफ लाना है, इतना हमको नंबर लाना है, उसी के बाद हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। फिर सेकंड पॉइंट आपका आता है वो होता है एग्जाम पैटर्न। अब गाइस आपको ये चेक करना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें आप चेक करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सब्जेक्ट्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आप चेक करेंगे कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स क्या हैं, उनका मार्किंग का पैटर्न देखेंगे, मतलब ये चीज़ें आपको क्या है बहुत काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न में कि क्या क्या आने वाला है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइस ये आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन पेपर को देख के समझना पड़ेगा। तो गाइस ये कई लोग नहीं करते हैं, सिर्फ तैयारी करते हैं पता कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो होता है सब्जेक्ट्स। अब जब आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट क्या है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और गाइस कई बार दिमाग में ये भी आता है कि एग्जाम पैटर्न हमको पता कैसे चलेगा, तो गाइस जब भी कोई भी आपकी वैकेंसी आती है तो उसके लिए एक क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्लियर वे में मेंशन होता है कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कितना टाइम दिया जाएगा। तो गाइस सब कुछ मेंशन होना है, बस आपको देखने की जरूरत है। तो गाइस वहां पे आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके वो पता चल जाएंगे। तो गाइस जो नॉर्मली सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है आपका मैथ्स, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं,
नेक्स्ट आपका रीजनिंग होता है, नेक्स्ट आपका इंग्लिश होता है और नेक्स्ट आपका जनरल स्टडी होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके डिमांडिंग सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं को आपको क्या तैयार करना पड़ता है। तो गाइस, लेकिन आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, वो होती है कि ये जो आपके एग्ज़ाम है MTS, CHSL, CGL, GD, स्टेनोग्राफर, इनमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस में क्या चेंज हो रहा है। वो आप तब पता कर पाएंगे जब आप एग्जाम के पैटर्न को काफ़ी अच्छे से देखें। तो सभी का एग्जाम पैटर्न देखिए, नोट करके अपने पास रखिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन अपनी लगिए। अब गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 4, वो है नंबर ऑफ पेपर्स। आपको अब ये चेक करना है कि कितने पेपर्स होने वाले हैं, मतलब आपका टायर 1 होगा सिर्फ ओनली, या टायर 2 भी होगा, या टायर 3 होगा, या आपका टायर 4 होगा, और अगर 1 में होना है तो 1 में क्या आने वाला है, 2 का ओनर 2 में क्या आने वाला है, 3 का तो 3 में क्या आने वाला है, टायर 4 है तो उसमें क्या आने वाला है। मतलब आपको जो ऑल स्टेजेस हैं वो सभी स्टेजेस को क्या है, बहुत अच्छे से पता करना है कि उन स्टेजेस में आपको क्या करना है। गाइस, जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है तो आप करेंगे कैसे, तो आपको पता करना है टायर 1 में क्या करना है, टायर 2 का क्या करना है, टायर 3 का क्या करना है, ये प्रॉपर जानकारी आपको पता करना है। आफ्टर डैट बात आती है आपके प्रिपरेशन की। गाइस, जब ये चीज़ आप पता कर लें उसके बाद बात आती है आपकी बुक की, बुक कौन सी पढ़ना है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपसे बस एक बात ये कहूँगा, आपको जो बुक्स पढ़नी है वो लिमिटेड पढ़नी है। अगर आपको क्वांट की बुक लेनी है जिसको आप मैथ कहते हैं, तो आप मैक्सिमम 2 बुक लें, इससे ज़्यादा लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। 2 बुक लीजिए, उनको कायदे से पढ़िए और मल्टीपल रिवीजन दीजिए। सेम काम आपको इंग्लिश के साथ करना है। इंग्लिश में आपको क्या है, एरर का बुक लेना है, वोकैब का बुक लेना है। तो ये जो बुक है ये आपकी कंपलसरी बुक है। उसके बाद आप क्या एक प्रीवियस ईयर पेपर भी ले सकते हैं। गाइस, इसी तरीके से आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग की आप क्या है एक बुक ले सकते हैं केवल। एंड रीजनिंग के बाद आपका क्या आएगा, जनरल स्टडी आएगा, तो इसकी आपको बुक लेना है। तो गाइस, इनमें जो आप बुक्स लेना है वो तो आप पता कर ही लेंगे कौन सी बुक्स लेना है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आप बुक पढ़ें वो लिमिटेड पढ़ें। ये ना करें कि एक सब्जेक्ट की आप 5 बुक ले आए और पढ़ने में लगे हुए। तो गाइस, आप खुद सोच के देखिए, क्या आप जब आपका एग्जाम होगा और आपने अगर आपने एक सब्जेक्ट की 5 बुक ले ली हैं, तो क्या आप उन 5ों बुक का रिवीजन कर पाएंगे? तो आप खुद ही कहोगे रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो गाइस, इसलिए लिमिटेड बुक पढ़ें और उन्हीं का क्या करें, मल्टीपल रिवीजन करें। नेक्स्ट पॉइंट गाइस आता है आपका, वो होता है स्ट्रेटजी। जब आप SSC का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो आपके सामने बुक्स आ गई कि भाई ये बुक्स हमको लेना है। तो गाइस, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, जितने मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर गाइस आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, डेफिनेटली हम आपके लिए उस पॉइंट पे वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो सभी पॉइंट को देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेटजी। आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है। आपको ये देखना है कि आपको जो प्रिपेयर होना है वो कैसे होना है, किस तरीके से आपको क्या है पढ़ना है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा किस तरीके से पढ़ना है। आपको मैथ्स को कितने घंटे देना है, रीजनिंग को कितना देना है, GS को कितना देना है, इंग्लिश को कितना देना है। और गाइस, ये सिर्फ डिसाइड आप ही कर पाओगे, बिकॉज आपकी कंडीशन कैसी है ये आप ही जानते हो। गाइस, आप पढ़ने में वीक हो, या पढ़ने में मॉडरेट हो, या पढ़ने में स्ट्रांग हो, आप कैसे हो पढ़ने में, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ने में कैसे हो। आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि आप पढ़ने में कैसे हो। जैसी आपकी पढ़ने की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना है, आपको आज ही से डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है और रेगुलर कॉन्टिन्यूस वे में पढ़ाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोचिंग का। तो गाइस, यहाँ पे मेन बात है कोचिंग की। तो गाइस, कोचिंग आप कहीं भी कर लें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लें, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लें, आप किसी भी शहर में पढ़ लें, बट सिलेक्शन सिर्फ आपके ऊपर होगा। जैसा मैंने आपसे कहा, लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक का भंडार लगाते हैं, पढ़ा पढ़ा जुटे हुए, और उसी बुक के बीच वो घिरे रहते हैं।
गाइस आप खुद सोच के देखिए, जब आप 10th में पढ़ते थे तो आपके पास एक सब्जेक्ट कितनी बुक होती थी, खुद ही आप बताओगे भाई एक बुक थी। तो गाइस उसी तरीके से आप भी यहाँ पर क्या बुक्स का भंडार ना बनाएं। अगर आपका अर्थमेटिक है तो उसका एक बुक ले लें, अगर आपका एडवांस मैथ है तो उसका एक बुक ले लें। अब ये नहीं कि अर्थमेटिक का चार बुक ले लिया, एडवांस मैथ का चार बुक ले लिया, आठ बुक कर लिया टोटल, तो ये नहीं करना है। और इसके अलावा जब अपनी स्ट्रेटजी बना लें तो उसके साथ में एक आप प्रीवियस ईयर जरूर ले लें, मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप जरूर ले लें। वहां से आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाने के बाद जो आपके चार सब्जेक्ट हैं उनको तो आप पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है उसको भी आप क्या है कॉन्टिन्यूस वे में करेंगे। फिर गाइस जो हम आपसे कोचिंग वाली बात कर रहे थे, कोचिंग वाली बात में एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, बस फोकस आपको ये करना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। मुझे कोचिंग से मतलब नहीं कि कोचिंग कौन सी करी है। गाइस कई लोगों के मन में होता है अरे मैं छोटे शहर में हूँ, बड़े शहर में पढ़ता तो मैं जल्दी सिलेक्शन हो जाता, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका शहर कोई भी हो उससे कुछ भी लेन देन नहीं है, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस ये आपको बहुत अच्छे समझना है कि कोचिंग आपको पढ़ना जहाँ है वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ऑनलाइन में आप जो टाइम का जो वेस्टेज कर रहे हो, जो आप टाइम पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हो, वो आप मत करो। अब गाइस आप सोच रहे हो अरे मैं वेस्ट कैसे कर रहा हूँ, गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग वेस्ट करते हैं। सपोज करिए हमने एक चैनल उठाया, अब उस चैनल पे हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया। अब गाइस वही प्रॉफिट लॉस दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं, वही प्रॉफिट लॉस तीसरे चैनल से पढ़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, टॉपिक एक है लेकिन तुम पढ़ चार जगह से रहे हो तो क्या ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा क्या? भाई एक जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे आओ, उसको बहुत अच्छे से कई बार लगा डालो, सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर सिर्फ आप ये सोचो अरे इनका पढ़ लें उनका पढ़ लें, हार्ड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, अगर इसी में पढ़े रहोगे तो फिर पढ़े रहोगे, सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ते रहोगे। तो गाइस पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बस वहीं पे आपकी जो मेहनत है वो क्या है सफल हो जाएगी, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपसे कहा जाएगा भाई तूने कुछ नहीं पढ़ा। तो गाइस उम्मीद है आपको ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आपको अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जानने की जरूरत है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं डेफिनेटली हम आपके लिए एक अगला वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो गाइस अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो गाइस आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे फेसबुक पेज पे जाना होगा। जाने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पेज को जैसे ही लाइक करते हैं तो लाइक करने का आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा और उसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।